जोर से कहिए बिहार टीम आगे बढ़ो हम, हम आपके साथ बिहार टीम आगे बढ़ो हम आपके साथ धुना धुनाथा की हमारे डर ऐसी आगे बढ़ो हमारे डर ऐसी आगे बढ़ो नमस्कार दोस्तों इम्प्लाई खबर चैनल के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है ईपीएस 95 फाइव पेंशन धारकों का धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर फिर से यहां पर जो है शुरू हो चुका है आज लगभग दोपहर के एक बजे ईपीएस 95 फाइव पेंशन धारकों को जंतर मंतर पर अंदर प्रवेश करने दिया गया और उनको धरना प्रदर्शन करने दिया गया अब यह धरना प्रदर्शन की अनुमति कितने दिन पुलिस प्रशासन यहाँ पर देती है ये जो है देखने वाली बात होगी लेकिन ईपीएस नाइन्टी पेंशन धारकों की ओर से जो जंतर मंत्र पर धरना प्रदर्शन का आज यहाँ पर दसवां दिन था आज बिहार की ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से मिनिमम पेंशन को एक हजार रूपए ऐसी बढ़ाकर सात हजार पांच सौ रूपए करने उसे महंगाई भत्ते से जोड़ने साथ ही सभी पेंशन धारकों को फ्री मेडिकल सुविधा मिले इसके लिए यहाँ पर जो है धरना प्रदर्शन किया गया साथ ही पेंशन धारकों की मांग थी की ईपीएस नाइन्टी पेंशन धारकों को हायर पेंशन उसी तरह से दी जाए जिस तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनके लिए लागू की है किसी भी तरह का कोई भेदभाव ना हो साथ ही जिन ईपीएस 95 पेंशन धारकों को इस योजना में कवर नहीं किया गया है उन्हें जो है योजना के अंतर्गत लाया जाए या उन्हें कम से कम पाँच हजार रूपए प्रति महीना यहां पर पेंशन दी जाए इस तरह की चार सौ त्री मांगो को लेकर एनसी राष्ट्रीय संघर्ष समिति की बिहार टीम की ओर से आज जंतर मंतर पर फिर से एक बार सुचारू रूप से आगे बढ़ाया गया जैसा की आपको अवगत हो की पिछले दो दिन से ईपीएस पी नाइन्टी फाइव पेंशन धारकों को जंतर मंत्र पर आंदोलन नहीं करने दिया जा रहा था आंदोलन की परमिशन नहीं मिल रही थी पेंशन धारक एक दिन इंडिया गेट पर अपना आंदोलन किया वहीं पर दूसरे दिन जंतर मंत्र के बाहर किनारे ही अपना आंदोलन यहां पर किया था लेकिन आज ईपीएस पेंशनधारकों 95 .95 को यहां पर फिर से जो है परमिशन मिली है जंतर मंत्र के गेट आज फिर से यहां पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए खुले और बिहार की ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने आज यहां पर जो है एकत्रित होकर अपनी मांग सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया अब यहां पर जंतर मंत्र पर कब तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों को आंदोलन करने दिया जाएगा और कब तक ईपीएस 95 फाइव पेंशन धारकों की मांगे यहाँ पर मंजूर की जाएगी ये देखने वाली बात होगी वही दूसरी ओर लोकसभा में भी ईपीएस पी नाइन्टी पेंशन धारकों की लगातार मांगे यहाँ पर उठ रही है फरवरी के महीने में ही लगभग चार सांसदों ने ई पी एस नाइन्टी फाइव का मुद्दा लोकसभा में उठाया है जिसके बारे में भी अपडेट मैंने आपको पिछले वीडियो में दे दिया है तो उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो में दी गई ये अपडेट ये जानकारी आपको पसंद आई होगी ये वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए मिलते हैं आपसे है अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम